नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। सेकंड चैप्टर के हम न्यूमेरिकल कर रहे थे और हमने सेकंड चैप्टर के जो 6 न्यूमेरिकल है उनको हमने कर लिया था। उसके बाद में हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगले न्यूमेरिकल में है कि 2 पिको फेरेड, 3 पिको फेरेड और 4 पिको फेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं और 5 सौ क्रम में जोड़े गए हैं। 5 सौ क्रम का मतलब ये है कि वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो हमें मान दिया गया है C1 बराबर 2 पिको फेरेड है और C2 बराबर है 3 पिको फेरेड और C3 बराबर है 4 पिको फेरेड और समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो जो तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में, वो होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 पिको फेरेड। यदि हम पिको को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 10^-12 फेरेड। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो साधारण सा है। उसके बाद में कह रहा है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संवरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, यानी कि अपने पास में जो संधारित्र है इस प्रकार से है, ये मान लीजिए इसकी धारिता C1 है इस संधारित्र की, इसकी मान लीजिए कितनी है, C2 है, और यहाँ पर इसकी मान लीजिए कितनी है, C3 है। और अब इसको क्या करना है, हमें 100 वोल्ट की सप्लाई देनी है, इसको 100 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो अब ये पूछ रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा, यानी कि Q1 यहाँ पर कितनी, Q2 और यहाँ पर कितनी, Q3 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि समांतर क्रम में जो प्रत्येक संधारित्र पर जो विभव का मान होता है वो कितना होता है, सेम होता है। यानी कि यहाँ भी कितना रहेगा, 100 वोल्ट, यहाँ भी कितना रहेगा, 100 वोल्ट, और यहाँ भी कितना रहेगा, 100 वोल्ट। अब आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है CV। पहले संधारित्र के लिए हो जाएगा Q1 बराबर C1 और V1। तो Q1 बराबर C1 का मान कितना है, C1 का मान है 2 पिको फेरेड, यानी कि 2 × 10^-12 फेरेड गुणा V1 V2 V3 का मान तो सेम है और वो कितना है, 100 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर Q1 बराबर आ जाएगा 2 × 10^-12, और ये 10^2 हो जाएंगे, तो 10^-12 और 10^2 हो जाएंगे 10^-10 कूलाम। ये किसका मान आ गया, ये आ गया Q1 का। इसी प्रकार से Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 V2 किसी का क्या लिख सकते हैं, V। और C2 का मान कितना है, C2 का मान है 3 पिको फेरेड, यानी कि 3 × 10^-12 × V का मान कितना लिख दिया, 100। तो कितना आ जाएगा, Q2 बराबर आ जाएगा 3 × 10^-10 कूलाम। ये आ जाएगा किसका मान, Q2 का। इसी प्रकार से Q3 बराबर कितना हो जाएगा, C3V। और C3 का मान कितना, 4 पिको फेरेड, यानी कि 4 × 10^-12 × कितना आ जाएगा, 100 बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 10^-10 कूलाम। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया Q3 का। ये क्वेश्चन में क्या किया गया, पूछा गया है कि जब इसको 100 वोल्ट के सप्लाई दे देंगे तब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा। तो ये Q1 और Q2 और Q3 का मान रहा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10^-3 m² है। यानी कि ये मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी ये जो यहाँ पर प्लेट है इनका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 6 × 10^-3 m² तथा उनके बीच की दूरी 3 mm है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 mm। यानी कि d का जो मान है वो कितना है, इनके बीच की दूरी ये कितनी है, d बराबर है 3 mm का, मतलब हो गया 3 × 10^-3 m। फिर ये कह रहे हैं संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या है, वायु है, उस कंडीशन में जो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर εo A/d। ठीक है, εo कॉन्स्टेंट होता है जिसका मान कितना होता है, 8.85 × 10^-12। और यहां पर A का मान कितना है, 6 × 10^-3, फिर बटे कितना आ जाएगा, डी का मान 3 × 10^-3 m। ठीक है,
तो यहां से देखिए 10 की घात -3 से 10 की घात -3 कैंसिल हो गया और 3 से इसको काटा तो कितना आ गया 2। ठीक है, सी बराबर कितना आ जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 10, ये 7 और कितने आ जाएंगे, ये 7, तो यहां पर आ जाएगा 17.7, 17.7 गुणा 10 की घात -12 फेरड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 17.7 गुणा 17.7 और 10 की घात -12 को किसमें लिख सकते हैं, पिको फेरड में। ये मान आ गया कब, जब प्लेटों के मध्य क्या हो, वायु हो और उनके क्षेत्रफल और डिस्टेंस हमें इस प्रकार से दी हुई हो, तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, 17.7 पिको फेरड। अगला क्वेश्चन, यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभारण से जोड़ दिया जाए, यानी कि यहाँ पर ये जो संधारित्र है इसको किससे जोड़ दिया जाए, 100 वोल्ट के संभारण से इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, यदि इसको किससे जोड़ दिया जाए, 100 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, यानी कि वी का मान कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। अगर वी का मान 100 वोल्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर कितना होता है सी वी। सी का मान कितना है 17.7 गुणा 10 की घात -12 और बी का मान कितना है 100। ठीक है, तो यहां पर क्यू का मान कितना आ जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा 17.7 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। 10 की घात -12 और 10 की घात 2 तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -10 कूलाम। उस कंडीशन में क्यू का मान कितना आ जाएगा, 17.7 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। कब, जब इसको क्या दे दी जाए, 100 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाए, तो प्रत्येक आवेश पर यहां पर कितना होता है, प्लस आवेश होता है, यहां पर कितना होता है, माइनस आवेश होता है। ठीक है, दोनों का परिमाण क्या होता है, समान होता है, तो एक पर तो कितना आ जाएगा प्लस का और दूसरे पर कितना आ जाएगा माइनस का, 17.7 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। तो दोनों पट्टिकाओं पर आवेश का मान हमने क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों मान है सी का मान और क्यू का मान, ये क्या कर लेंगे, यहां पर रख देंगे, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में हमें काम में आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट रख दी जाए, तो ये जो पट्टिकाएं थी इनके बीच की दूरी थी कितनी, 3 mm, और इसमें 3 mm की क्या रख दी जाए, अभ्रक की सीट रख दी जाए, 3 mm की क्या रख दी जाए, अभ्रक की सीट। पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी है, 3 mm, और 3 mm की अभ्रक की सीट रख दी जाए, यानी कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी पट्टिकाओं के मध्य में क्या रख दिया, पूर्ण रूप से परावैद्युत रख दिया है। क्या रख दिया इसमें, इसमें पूर्ण रूप से परावैद्युत रख दिया है, पूर्ण रूप से और पूर्ण रूप से परावैद्युत रख दिया है। तो ये आगे देखो क्या पूछ रहा है कि पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट जिसका परावैद्युतांक कितना है, के बराबर 6, जिसका परावैद्युतांक है के बराबर 6, तो क्या होगा जब विभव संभारण जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि यदि वोल्टेज क्या हो, जुड़ा हुआ हो, यानी कि V बराबर कितना हो, 100 वोल्ट हो, पहली कंडीशन है, जब V बराबर क्या हो, 100 वोल्ट हो, यानी कि वोल्टेज जुड़ा रहे, फिर इसके मध्य में क्या रखी जाए, अभ्रक की सीट, फिर क्या रखी जाए, यहां पर अभ्रक की सीट रखी जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर उसके मध्य क्या रखी जाए, अभ्रक की सीट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका मतलब ये है, क्या होगा का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यदि अभ्रक की सीट रख देंगे तब भी यहां पर 100 वोल्ट की सप्लाई इसको मिल रही है निरंतर, भाई यहां पर सीट रखेंगे तो भी इसको क्या मिल रही है, 100 वोल्ट की सप्लाई यहां से निरंतर क्या हो रही है, मिल रही है। इस कंडीशन में वी का मान तो कितना रहेगा, 100 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, फिर किसका मान पूछा जा रहा है, सी का मान पूछा जा रहा है, तो यदि पूर्ण रूप से परावैद्युतांक बढ़ दिया जाता है तब जो संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है, पहले की के गुणा हो जाती है, तो जो नई धारिता होगी वो क्या हो जाएगी, पहले की कितनी हो जाएगी, के गुणा हो जाएगी, पहले की कितनी हो जाएगी, के गुणा। तो यहाँ पर के का मान कितना 6 और पहले जो आया था वो मान कितना आया था, जो हमने ज्ञात किया था कितना था, 17.7 गुणा 10 की घात -12, ये क्वेश्चन 2.8 में था। तो यहां पर आप कितना हो जाएगा, सी डेस बराबर हो जाएगा, इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 106.2 गुणा 10 की घात -12 फेरड, या 106.2 पिको फेरड। कब, जब यहां पर इसमें वोल्टेज सप्लाई क्या हो, जुड़ी रहे, विभव संभारण जुड़ा रहेगा, वोल्टेज सप्लाई क्या है, कनेक्टेड है। फिर पूछ रहा है आवेश का मान, तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी वी, तो नया आवेश मान लीजिए कितना, क्यू डेस सी डेस,
और यहाँ पर वी का मान चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 106.2 गुणा 10 की घात -12, और वोल्टेज जुड़ा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। तो नया आवेश कितना आ जाएगा, क्यू डैश बराबर आ जाएगा इस कंडीशन में 106.2 गुणा 10 की घात -10, 10 की घात -10 कूलाम्ब, उस कंडीशन में आवेश का मान ये रहेगा। तो यदि पट्टिकाओं के बीच में, यदि पट्टिकाओं के साथ में यदि 100 वोल्ट की सप्लाई है, उस कंडीशन में इसका वोल्टेज तो वही रहेगा कि वोल्टेज सप्लाई वही है मिल रही है, फिर इसका जो संधारित्र की धारिता वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या रख दी हमने, अब्रक की शीट रख दी, जिसके कारण इसकी धारिता के गुणा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और आवेश का मान भी क्या हो गया, चेंज होकर कितना हो गया, 106.2 × 10 की घात -10 कूलाम्ब। ठीक है, ये अपने पास में दो मान आ गए। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि संभारण को यदि हटा लिया जाए, यानी कि इसकी जो वोल्टेज है उसको हटा लिया जाए। इसका मतलब ये है कि देखो, पहली कंडीशन में क्या थी, अब्रक की शीट नहीं थी, और फिर संधारित्र का मान हमने, कैपेसिटी का मान जो इसका ज्ञात किया धारिता का, वो ये आया था, आवेश का मान ये आया था, और वोल्टेज इसमें क्या हुआ था, जुड़ा हुआ। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि वोल्टेज को क्या कर दिया जाए, डिसकनेक्टेड कर दिया जाए, वोल्टेज को क्या कर दिया जाए, डिसकनेक्टेड कर दिया जाए, यानी कि यहाँ से वोल्टेज को हटा दिया जाए। पहले इसको 100 वोल्ट दे दिया, और अब क्या कर दिया, यहाँ से वोल्टेज को हटा दिया। ठीक है, अब क्या कर दिया जाए, यहाँ पर क्या रख दी जाए, अब्रक की शीट रख दी जाए। तो देखिए, यहाँ पर ये जितना चार्ज हुआ था, वो चार्ज अब ना ही तो इसमें और चार्ज आ सकता है, और ना ही इससे चार्ज क्या हो सकता है, निकल सकता है। वही संधारित्र है, उसको हमने चार्ज कर दिया, तो अब इसमें चार्ज नहीं, जब तक उसको काम में नहीं लेंगे तब तक उसका चार्ज कम नहीं होगा, और ना ही इसमें क्या और ज्यादा चार्ज आएगा, इसलिए इसका चार्ज तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसके जो आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए जो आवेश का मान है इस कंडीशन में कितना रहेगा, वो सेम रहेगा। तो क्यू का मान तो कितना रहेगा, 17.7 × 10 की घात - 10 कूलाम्ब। कब, जब यहां से वोल्टेज को तो हटा लिया जाए, और फिर इसके अंदर क्या रखी जाए, शीट रखी जाए, अब्रक की शीट रखी जाए, उस कंडीशन में जितना चार्ज था उतना ही रहेगा, चार्ज में तो कोई कमी नहीं आई, तो आवेश तो क्या रहेगा, पूर्ववर्ती रहेगा। तो हमने क्यू का मान याद कर लिया। फिर सी का मान लीजिए, सी डैश बराबर कितना हो जाएगा, सप्लाई उठाकर यहाँ से क्या कर दिया जाए, अब्रक की शीट रख दी जाए, तो नई धारिता कितनी हो जाएगी, के इंटू पहले वाली धारिता की के गुणा, यानी कि 6 गुणा, और सी का मान कितना है, 17.7 × 10 की घात - 12 फेरड। तो यहाँ पर सी डैश बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 106.2 × 10 की घात - 12 फेरड। ये क्या हो जाएगी उसकी धारिता। फिर पूछा जा रहा है कि इसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यहां से वोल्टेज हटा लिया जाएगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा C भाई, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV, V बराबर कितना हो जाएगा, Q बटा C। Q का मान कितना है, Q का मान ये रहा 17.7 × 10 की घात - 10 कूलाम्ब, बटे C का मान कितना है, 106.2 × 10 की घात - 12। ठीक है, तो यहां से V का मान कितना आ जाएगा, V का मान आ जाएगा, ये देखिए, ये से लगभग कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, और ये 10 की घात - 12 ऊपर जाएंगे तो 10 की घात + 12, और 10 की घात - 10 और 10 की घात + 12 कितनी हो जाएंगी, 10 की घात 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 100/6, और ये कितना हो जाएगा, 50/3, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा, 16.67 वोल्ट। यानी कि इस कंडीशन में जब इसके सप्लाई हटा ली जाएगी, उस कंडीशन में यहाँ पर जो तो वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा, 16.67 वोल्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब सप्लाई हटा दी जाती है, तो वोल्टेज का मान क्या होता है, जितना परावैद्युतांक होता है ना, उतना उसके गुणा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब सप्लाई को हटा लिया जाता है, क्यू का मान तो ये रहेगा, सी का मान ये रहेगा, और वोल्टेज का मान ये रहेगा 16.67 वोल्ट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।